हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूँ सारिका। आज बनाने जा रही हूँ पनीर से बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट मिठाई, वो है गुलाबे बर्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और कुछ ही समय में तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक जरूर पहुँचे। ये मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। इसे हम ग्रेटर की सहायता से अच्छे से कद्दूकस करेंगे। ये मैंने पनीर को पहले मैंने एक घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, ताकि हमें कद्दूकस करने में आसानी हो। इसे हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। ये मैंने सारे पनीर को अच्छे से बारीकी से कद्दूकस कर ली है। अब इस पनीर को हम एक कढ़ाई में लेंगे। ये मैंने इस तरह की नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, इसे मैंने गैस पर नहीं चढ़ाया है। सारे पनीर को इस कढ़ाई में ले लेते हैं। अभी इसमें बाकी की सामग्री डालेंगे। 100 ग्राम कंडेंस मिल्क, 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, हमें इसमें डेयरी व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। गुलाबी बर्फी बना रही है इसलिए इसमें डालेंगे 1/4 कप रोज शरबत का सिरप। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। हम जो रोज शरबत बनाने की सिरप लाते हैं, ये वही सिरप है। आप कोई भी कंपनी का ला सकते हैं। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक अच्छे से मिक्स ना हो, हमें इसे गैस पे नहीं चढ़ाना है। देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उस स्पैचुला की मदद से इसे हमें अच्छे से मसलना है, ताकि कोई लम्स ना रहे। चलिए अभी फटाफट से गैस पे चढ़ा लेते हैं। हमें इसे धीमी आंच में इसे अच्छे से पका लेना है। जब आप पकाएंगे तो स्टार्टिंग में लगेगा आपको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये अपने डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें धीमी आंच में ही अच्छे से पकाना है और साइड किनारे से इसे अच्छे से घुमाते रहना है, ताकि साइड में इसकी पपड़ी ना जमे। ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है गुलाब बर्फी की, और ये एकदम थिकनेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हमारा डो एकदम परफेक्ट तैयार हो रहा है। ये देखिए पैन के साइड छोड़ने लगा है, मतलब हमारी गुलाबी बर्फी तैयार हो गई है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। पैन अभी भी थोड़ा गर्म है, इसे स्पैचुला से इसे घुमाते रहना है, ताकि नीचे के सरफेस में चिपके नहीं। इसमें और फ्लेवर्स के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ता। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हमारी परफेक्ट गुलाबी बर्फी तैयार हो गई है। चलिए अभी इसे फटाफट से गैस से नीचे उतार कर एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैंने इस तरह की स्क्वायर ट्रे ली है, आप कोई भी थाली ले सकते हैं। इसे अब अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। इसे मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। गुलाबी बर्फी को इस ट्रे में ट्रांसफर कर लेना है। और अब इस स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके चारों किनारे अच्छे से दबाकर इसे अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि हमारी बर्फी एकदम परफेक्ट तैयार होगी। देखिए इसके चारों किनारे अच्छे से दबाकर इसे अच्छे से सेट कर लिया है। इसे और अट्रैक्टिव लुक के लिए मैं इसमें पिस्ता से गार्निश कर रही थी। इसे फिर से स्पैचुला से इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं, ताकि पिस्ता अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इसके चारों किनारे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए इसे अच्छे से सेट होने देते हैं। पूरे आधे घंटे हो गए, ये देखिए बर्फी एकदम अच्छे से सेट हो गई है। चलिए अभी इसे फटाफट से शार्प नाइफ से हमें हल्के हाथों से कट कर लेना है। हमें इसे हल्के हाथों से कट कर लेना है, क्योंकि बर्फी बहुत ही सॉफ्ट है। कभी आपके पास आधे घंटे के लिए वक्त ना हो, तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये आराम से सेट हो जाएगी। मैं आपको पीस निकाल के बताती हूँ कि हमारी गुलाबी बर्फी कैसी बनी है। लग रहा है ना एकदम बाजार जैसी सॉफ्ट बर्फी। चलिए इसे फटाफट से सर्विंग प्लेट में लेते हैं। गुलाबी बर्फी नाम है, तो क्यों ना इसे गुलाब की पत्तियों से गार्निश किया जाए। है ना एकदम आसान, और कुछ ही समय में हमारी गुलाबी बर्फी तैयार हो गई है। तो आप भी बनाइए, ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको गुलाबी बर्फी कैसी लगी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।